सभी किसान साथियों को जय किसान। साथियों आज 17 तारीख है। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी अपने चर्चा करेंगे। गेहूं के ऊपर एक विशेष खबर है, नरमा के ऊपर भी चर्चा करेंगे और सरसों के ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा जाते करते ग्वार और सोयाबीन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को आगे बढ़ा दें, जैसे ही और साथी जुड़ जाएंगे तो फिर अपने जो है चर्चा शुरू करेंगे। गेहूं के जो साथी हैं, जो कणक के साथी हैं, जी सियाग साहब राम राम, उनके लिए भी एक खबर है आज विशेष करके। और नई सरसों वाले जो साथी हैं उनके लिए भी एक खबर है, नरमे के साथियों के लिए भी एक विशेष खबर है। और जैसे ही और लोग जुड़ जाएंगे, जी बम्बू साहब, जैकसान, गुरविंदर टिल्लों, बदिया भाई जी, राजेंद्र जी, राम राम भाई साहब, राकेश गुदारा जी, राम राम जी, जितने भी साथी जुड़े हो वीडियो को, भाई शेयर बहुत करते हो आप लोग, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो साथी शेयर करता है उसके नाम के आगे एक सिंबल आ जाता है। विक्रम जी, किचड़ साहब, अश्विनी मंजू, राजेश गुदारा स्वामी, बहुत सारे साथी जुड़े हैं, सबको जय किसान। तीनों ही अच्छी खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं। आप वीडियो को जरूर आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं, तो फिर जो है अपने बातचीत अपनी चालू करेंगे। साथियों सबको जय किसान, जितने भी साथी जुड़े हो सबको जय किसान। भाई वीडियो को आगे बढ़ा देना, भाई शेयर कर देना। आज का वीडियो कुछ विशेष होने वाला है, खास करके कणक जिन लोगों ने साथियों ने बिजी है, क्योंकि लगातार सारे भाई पूछते थे कि सरसों के बारे में तो बताते हो आप लेकिन गेहूं के बारे में नहीं बताते। कुछ साथियों ने गेहूं का बिजन इस बार काफ़ी किया है। वो साथी जो मेरे जैसे हैं जिनको ये लगता है कि दो फसल, जिस फसल का बिजन कम होता है उसको ज़्यादा बिजना चाहिए ताकि जो है उसका हमें जो है रेट मिल सके, तो उन साथियों के काफ़ी फ़ोन मैसेज आए हैं। तो खैर शुरू करते हैं, लगभग 250 लोग जुड़ गए हैं। देखिए सबसे पहले चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर। सरसों के अंदर आज भी रुख अच्छा था, हालांकि सुबह की जो वीडियो थी अपने YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर, क्योंकि सुबह अपने और दिन में फसलों के भाव की चर्चा वहीं करते हैं, तो वहां भी मैंने बोला था कि कोई ज़्यादा बड़ा मंदा आपको सरसों में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अब भी कह रहा हूँ कि बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक चीज़ है, सरसों की रिकवरी पूरी हो गई है। जो सरसों ने एक अपनी जगह छोड़ी थी, जयपुर कंडीशन जो थी वो 8000 रुपए थी और भरतपुर की जो कंडीशन थी 7800 कुछ रुपए थी, तो वहां तक सरसों पहुंच गई है। जो अभी पीछे सरसों डाउन हुई थी उसका जो है रिकवरी सरसों ने कर लिया है। अब आगे देखने वाली चीज ये है कि आगे का रुख क्या रहेगा। नई सरसों का प्रेशर बिल्कुल क्रिएट होगा, सरसों काफी मात्रा में कट रही है खेतों के अंदर और निकाली भी जा रही है। धीरे धीरे जो है स्थिति साफ होती जाएगी, लेकिन असल जो आवक है, जिसको आप ये बोल सकते हैं कि 4 लाख 5 लाख कट्टे की आवक, या ये बोल सकते कि 8 लाख कट्टे की आवक, तो वो 15 मार्च से पहले आपको नजर नहीं आ सकती। 15 मार्च को असल जो पिक्चर है वो सामने सरसों की साथियों आएगी। उससे पहले अभी तक रुख पॉजिटिव है, फंडामेंटल अच्छा मजबूत लग रहा है। जैसा कि मैंने कई बार चर्चा की है कि सरकार का भी एक मत है, बजट के अंदर भी एक उन्होंने चीज बोली थी कि हम लोग ये चाहते हैं कि तेलों के मामले के अंदर, तेल तिलहन के मामले के अंदर हम लोग देश को जो है आत्मनिर्भर बनाएं। अब वो कहां तक जाती है, अगर सरकार कोई नया अड़ंगा नहीं उड़ाती है, अगर सरकार कोई और स्टेप सरसों को लेकर नहीं उठाती है इन चुनावों के बाद, देखिए चुनावों तक तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन चुनाव सिर्फ 10 मार्च तक है, सलट जाएंगे सारे ये, खास करके यूपी के जो चुनाव है, तो उनका काफी एक प्रेशर है डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, फसलों के भाव के ऊपर। कोई भी निर्णय लेना हो सरकारों ने, गारंटी के साथ तय बात है कि उनके बाद जो है डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे और फसल के रेट थोड़ा सा कुछ ना कुछ जरूर होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। सरकार कोई भी हो, ये चीजें मैटर करती हैं, चुनाव मैटर करते हैं। अगर सरकार कोई अड़ंगा नहीं अड़ाती तो मेरे को लगता नहीं कि सरसों का भाव 6000 से कम होगा, सरसों 6000 से नहीं टूटेगी। 5500 6000 का टारगेट आज से एक महीना पहले दिया था, उससे ऊपर बिक्री है सरसों, 6500 बिक्री है अभी जो नई सरसों है वो वाली। तो नई सरसों के साथियों को कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक तो। लेकिन तारामीरा के बारे में पूछ रहे हैं अनवर जी, भाई साहब मनवर जी, भाई साहब जानकारी आएगी तो बता दूंगा, अभी जानकारी मेरे पास नहीं है। तो नई सरसों के अंदर कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। पुरानी सरसों के साथियों के लिए बोलूंगा, भाव अच्छे हैं, सौदा आपको अपने विवेक से करना है। पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है, सौदा आपको अपने विवेक से करना है, लेकिन एक बात बोलूंगा, भाव अच्छे हैं, आप देख लें, वो आपका
अपना अपना कंडीशन होता है, हर एक फैमिली की अपनी अपनी स्थिति होती है, वो आपको देखना है। लेकिन भाव ठीक है पुरानी सरसों के, नई सरसों के साथियों के लिए तो अभी इंतजार करना पड़ेगा सही जो पिक्चर है उसको देखने के लिए 15 मार्च का। आवकें बनी हुई है, रोज बढ़ रही है, लेकिन असल जो प्रेशर क्रिएट होगा वो 15 मार्च के बाद ही होगा। तो सरसों के भाइयों के लिए कोई बुरी खबर नहीं है, आज भी नई सरसों 6500 से ऊपर बिकी है धौलपुर के अंदर, तो एक फंडामेंटल मजबूत है, पॉजिटिव साइन है, कहीं भी कोई दिक्कत साथियों नहीं है। बात करते हैं सरसों के भाव की। भरतपुर के अंदर 7820 रुपये, जयपुर के अंदर 8190 रुपये, दिल्ली के अंदर 7700 रुपये, अलवर 7900, रायसनगर 7540, हिसार 7035, धौलपुर 7400 रुपये नई सरसों, सॉरी पुरानी सरसों, और नई सरसों बिकी है 6500 से लेके 6800 रुपये तक। हाकुड 7830 पुरानी सरसों, कैथल 7830 पुरानी सरसों, सिरसा 7000, जोधपुर 7430, खेरली 7840, कोटा 7110, सलोनी के भाव आज 8600 से लेके 8750 रुपए रहे हैं, लेकिन अभी की सूचना ये है कि लगभग 8650 रुपए भाव सलोनी के हैं साथियों। रावसर 7330, आदमपुर 7420, दादरी 7600, गढ़साना 7190 और सादुलचर 7145 रुपए आज साथियों सरसों बिकी है। तो सरसों के साथियों के लिए बहुत बड़ा कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं नरमे की, वीडियो को आगे बढ़ा दें साथियों। नरमे के ऊपर भी एक खबर है, लेकिन गेहूं के ऊपर एक और अच्छी खबर है। जी शुक्रिया बराड़ साहब, रविंद्र भाई साहब, एक गेहूं के ऊपर भी खबर है, उसके ऊपर भी अपने आज चर्चा करेंगे। गेहूं जिन साथियों ने बिजान कर रखा है उनके लिए भी खबर है, वीडियो को आगे जरूर बढ़ा देना साथियों, उससे मेरी भी हौसला अफजाई होती, मुझे भी लगता कि आप सब लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं, आप सब भाई सुन रहे हैं, ये वीडियो प्रैक्टिस वीडियो है, इसलिए बनाते हैं कि जो छोटे किसान भाई हैं या जो इंटरेस्टेड हैं वीडियो सुनने में उनको फायदा हो। हालांकि चुनाव का समय चल रहा है, मैं शेड्यूल बहुत बिजी होता है, आप यकीन मानिएगा, ये जो घंटा डेढ़ घंटा शाम को घंटा निकालना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि आप सबको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है और आप लोग शेयर कर रहे हैं। जिस दिन आपको लगे कि इट्स इनफ नाउ कि अभी सरसों का पुरानी का सीजन गया, नई सरसों में अभी मान लीजिए 15 मार्च का समय, अभी 20 दिन 25 दिन पड़े हैं, आपको लगे तो आप बेझिझक कह देना, अपने एक बार बंद करके दोबारा जैसे नया सीजन आएगा तो अपने चालू कर देंगे, और नए नरमे का जो रेट है उसको लिख के ही अपडेट कर दिए करेंगे, अपने को वो कोई लालच नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा आपसे निवेदन है, जब तक तो आप शेयर और करते रहेंगे तब तक तो अपने वीडियो बनाते रहेंगे। जब आपको लगे कि ठीक है अभी एक बार ब्रेक लेना चाहिए, जैसे नई फसलें आएंगी दोबारा चालू करना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है और मैं ये चाहूंगा कि आप जैसे ही कहेंगे वैसे ही अपने कर लेंगे साथियों। लेकिन अभी तक आपका बहुत प्यार है, बहुत आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं, सारे साथी जो है पसंद कर रहे हैं, और बहुत से साथियों का डेली, यकीन मानिए 5-7 साथियों का फोन आता है डेली, ये बोलते हैं कि मेरा फायदा हुआ है, मेरा भी फायदा हुआ है, जो छोटे किसान भाई हैं। बड़े किसान भाइयों के भी फोन आते हैं, वो भी बताते हैं कि हमें अच्छा लगा कि आपने एक शुरुआत की, हालांकि अब तो काफी साथी वीडियो बनाने लगे तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि जैसा भी आपको लगे आप मेरे को बता दें, अपने वैसे ही कर लेंगे, अपने को कोई भी लाग लपेट वाली बात जो है नहीं है, किसान आदमी हूं। तो बात करते हैं साथियों नरमे की, फिर गेहूं पे बात करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ा देना। तो नरमे के अंदर देखिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, आज थोड़ा सा नरमा सुबह के टाइम थोड़ा सा तेजी के अंदर लगा था, तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही बाजार बढ़े, हाजिर मंडियां जैसे ही खुली, उसके बाद जो है धीरे 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 करके एक बार जो है नरमा डाउन चला गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 120 वाली जो कंडीशन थी वो 119 पे आ गई, भारतीय बाजारों के अंदर भी ब्रेक है। हालांकि मैंने परसों ही बोल दिया था कि एक ब्रेक मिलेगा और वो ब्रेक मिला है, कल भी ब्रेक था, आज तो मंदा कह सकते हो आप, काफी मंडियों के अंदर नरमा 150 से लेके 225 रुपए 200 रुपए तक मंदा है। हालांकि सुबह की जो वीडियो थी अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्योंकि दिन में किसी भाई ने फसलों के भाव देखने हो तो YouTube चैनल किसान राजा हिर के ऊपर जरूर आ जाना आप लोग, वहीं अपने चर्चा करते हैं 9 से लेकर 9:30 बजे तक। तो साथियों सुबह ही बताया था कि फंडामेंटल थोड़ा कमजोर हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव चल रहा है, मैंने रात भी ये मेंशन की थी बात, अगर वो वहां कोई युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो साथियों आपको सरसों में तो फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन नरमे के अंदर आपको नुकसान देखने को मिलेगा। रात भी मैंने आपको ये बात बोली थी साथियों, लेकिन आज भी कंडीशन वही रही। वो जो प्रेशर है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ऊपर है, व्यापार हर बार जब भी कोई युद्ध की स्थिति बनती है
हर बार प्रभावित होता है, इस बात में कोई शक साथियों नहीं है। तो वही एक प्रभावित जो है बाजार हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मंदी साथियों बनी हुई है नरमे के अंदर, उसका प्रभाव, हालांकि मैंने जब 3 दिन पहले बोला था उस दिन नरमे की गांठ का रेट, इंडियन रेट जो था वो 39,000 रुपये के पास था, और आज तो वो लगभग 36,500 के घरों में घूम रहा है, 37,000 घरों में घूम रहा है। उस दिन काफ़ी साथियों ने उस चीज़ का मजाक उड़ाया था कि देखिए 39,000 रुपये भाव है, लेकिन जो है आपने ये बोल दिया कि नरमा कमज़ोर हो सकता है। आप रिपीट कर लेना सारी वीडियो जो कि तो ही पड़ी है अपने पेज के ऊपर, यहाँ भी पड़ी है यूट्यूब चैनल किसान राजा हिर के ऊपर ही पड़ी है, आप जाके सुन लेना। मैंने उस दिन बोला था, उस दिन के बाद नरमा कमज़ोर 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 होता ही गया है, आज तक आज भी नरमे के अंदर कमज़ोरी है साथियों, इस बात में कोई भी शक नहीं है। तो मेरा एक बार पुनः निवेदन है आपसे कि नरमे के भाइयों के लिए कि बड़ी तेजी एकदम से आपको देखने में नहीं मिलेगी, सुलह हो जाएगी। हरमन भाई साहब कह रहे हैं, देखिए सुलह हो जाएगी तो वो अच्छी बात है, वो एक तो इंसानों के लिए अच्छी बात है, युद्ध के अंदर इंसानों का और इंसानियत का बहुत नुकसान होता है, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो। तो अगर ये सब ठीक हो जाएगा तो फिर नरमा ट्रैक के ऊपर आ सकता है। लेकिन कोई साथी आपको ये बोले कि नरमा इस महीने में 15,000 हो जाएगा या अगले महीने 15,000 होगा, ऐसा साथियों नहीं है, इस चीज़ पे आप थोड़ा सा गौर रखना। अभी नरमे का बाजार जो है एक बैक ऑफ कर रहा है, एक पीछे जा रहा है, तेजी के बाद पीछे जा रहा है, इसका मतलब यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भाव है वो नरमे को काफ़ी हद तक इफेक्ट कर रहे हैं साथियों। तो आज थोड़ी सी कमजोरी सी नरमे के अंदर, कल भी रुख बहुत ज़्यादा तेजी के अंदर नरमे का नहीं रहेगा। बाकी पूरी जो चर्चा है वो सुबह 9 से 9:30 बजे YouTube चैनल किसान राजा हेर के ऊपर अपने जो है चर्चा साथियों करेंगे। नरमे के भाव की बात कर लेते हैं। पीली बंगा के अंदर नरमा बिका है 10,400, रायसेनगर 10,550, गोलूवाड़ा 10,900, सिरसा 10,140, आदमपुर 9,520, रावसर 10,570, बरवाड़ा 9,830, एलनाबाद 10,240, गंगानगर 10,410, बट्टू 9,730, गड़साना 10,175, सादूल शहर बिका है 10,460 रुपये नरमा साथियों। अब अपने आज ग्वार के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, ग्वार में एज इट इज है भाव, थोड़ा सा 40 से लेके 50 रुपए का डाउन है, ये आपको बता सकता हूँ। भावों पे चर्चा नहीं करेंगे, आज मैं बिजी था, जमा एन लास्ट टाइम पे आगे पहुंचा था वीडियो के टाइम पे, वहां अपने इसकी चर्चा नहीं करेंगे। बात करें सोयाबीन की, सोयाबीन के अंदर फंडामेंटल ठीक है, बड़ी तेजी आज भी देखने को नहीं मिली है, लेकिन अच्छा रुख है, हो सकता है आपको तेजी देखने को मिल जाए आने वाले दिनों के अंदर। बात करें चने की, बड़ी तेजी नहीं है, मूंगफली के अंदर बड़ी तेजी नहीं है। बात करते हैं गेहूं की, क्योंकि गेहूं के अंदर बहुत से साथी पूछते हैं, जिन साथियों के पास गेहूं है भाई वीडियो को शेयर कर देना, जो आपके भाई और साथी हैं उनको मेंशन कर देना ताकि उनके तक ये सब जो है, जी शुक्रिया शंकरलाल जी, तो उनके तक ये मैसेज जो है पहुंच जाए। तो बात करते हैं गेहूं की, देखिए कल एक न्यूज आई थी कि FCI ने गेहूं का जो, गेहूं और चावल का जो स्टॉक है उसको बेचने पर एक रोक लगाई है। FCI मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, जो मैनेज करता है पूरे, मतलब कि पूरा कंट्रोल करता है जो खाद्य पदार्थ हैं, गेहूं है चाहे वो चावल है, उनके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि हम लोग जो अपना स्टॉक है इस बार उसको बेचेंगे नहीं। दूसरी बात, निर्यात जो है वो बढ़ रहा है। तीसरी बात, उपलब्धता बहुत कम है, पिछले जो 3 साल हैं उनमें से सबसे कम स्टॉक इस बार FCI के पास, भारतीय खाद्य निगम के पास है। अच्छा साइन है, तब तक अच्छा साइन है जब तक देश हित में है। देखिए गेहूं का होना देश के अंदर बहुत जरूरी है और देश हमारे लिए सर्वोपरि है, इस बात में कोई शक नहीं है। खैर अच्छा साइन है कि गेहूं की डिमांड बढ़ेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। जब गेहूं की डिमांड बढ़ेगी और निर्यात बढ़ रहा है, पहले ही बताया है, और FCI ने अगर उसको रोकने पे, जो उसका उसको जो, उसका जो बेचान है उसको रोकने पे अगर प्रतिबंध लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि गेहूं की उपलब्धता कम है देश के अंदर। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि बहुत कम है, कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हर एक देश 3-4 साल सुधी सुप्रीत वधियावीर, तो ऐसा कोई देश नहीं है जो 3-4 साल का स्टॉक नहीं रखता है, लेकिन स्टॉक जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो
गेहूं के साथियों के लिए खबर अच्छी है कि आपके गेहूं के अंदर तेजी बन सकती है। समय लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन गेहूं के भावों के अंदर साथियों तेजी आपको देखने को मिल सकती है। मांग बढ़ रही है गेहूं की। जब मांग बढ़ेगी तो, क्योंकि इस बार गेहूं का बीजान कम है, यकीन मानिए 15 से लेकर 18% एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है, कुछ रिपोर्टें तो ये कह रही कि 20 से 22% भी बीजान जो है इस बार कम है, लेकिन 15% भी माने तो ये लगता है कि काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि गेहूं की बीजान के हिसाब से ये लग रहा है कि इस बार गेहूं की कमी रहेगी। और पहले से ही अगर 3 साल से सबसे कम स्टॉक है तो गेहूं की मांग बढ़ेगी लग रहा है। हो सकता है आपके गेहूं के अंदर अच्छे भाव जो है देखने को आपको मिल जाए साथियों। जैसे ही कल और भाव मिलेंगे, इस समय यहाँ पे लाइव आएंगे फेसबुक के ऊपर, यहाँ भी आप जुड़ना, और दिन में फसलों के भाव जानने के लिए यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर भी जुड़ना साथियों। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।